तू गुंडा है तो मैं महागुंडा हूँ। तुझे जिस तौर तरीके से जिस तरीके से आना है उस तरीके से तू आ जाना। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आज कि अब तू माड़ियों में घुस के दिखा देना। तेरे कपड़े नहीं फाड़ दे माड़ी समाज तो मेरा नाम भी संदीप सैनी नहीं है। तू जिन संदीप सैनी, पवन माउंडिया, रवि सैनी अपने कांटे निकलवाने के लिए मेरे पास आते हैं, उससे ज्यादा तौर तरीके मुझे आते हैं। और इस बार चुनाव नहीं, एक रोचक मुकाबला होगा। छाड़ी माड़ी ऐसे शब्दों से तू संबोधित करता था, आज मैं तेरे को ओपन कह रहा हूँ। जनवरी से लेके आज तक तेरी हालत देख ले और आगे आगे ये हालत और बिगड़ती जाएगी। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा गांव में परसों जहां एक पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय नेता अपने आप को साधु महात्मा बताने वाला कह रहा था कि संदीप सैनी, पवन माउंडिया, रवि सैनी अपने कांटे निकलवाने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उसको कह देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि तूने सिर्फ उदयपुर वाटी विधानसभा की राजनीति की है। संदीप सैनी ने पिछले 15 साल में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने की राजनीति की है। तू गुंडा है तो मैं महागुंडा हूं। तुझे जिस तौर तरीके से जिस तरीके से आना है उस तरीके से तू आ जाना। आज तक तू माड़ी समाज को बेवकूफ बना के उनके वोट लेके उनको छाड़ी माड़ी ऐसे शब्दों से तू संबोधित करता था, आज मैं तेरे को ओपन कह रहा हूँ कि अब तू माड़ियों में घुस के दिखा देना। तेरे कपड़े नहीं फाड़ दे माड़ी समाज तो मेरा नाम भी संदीप सैनी नहीं है। तू जिन सभाओं के माध्यम से उदयपुर वाटी की बोली बाली जनता को के कहना चाहता है, चौफुलिया में तूने कहा कि जाट समाज के मुझे वोट नहीं चाहिए, फिर तूने जाटों में ही जाके अपनी बहन में बनाई और जाट समाज को फिर गुमराह करके 5-7 हजार वोट लेने का काम किया। गुजर समाज की बहन मायावती को तूने जेल भेजा, वो गुजर समाज कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। उस निर्दोष माया गुजर का कोई दोष नहीं था जिसको तूने जेल भेज दिया। ऐसी में बहन मायावती ने तेरे ऊपर 2 बार उपकार किए, उस उपकार का बदला तूने ये दिया कि बहन मायावती को राजस्थान के विधानसभा के अंदर तूने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए बहन मायावती को तूने ललकारा, तो ऐसी समाज भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और इस बार का जो चुनाव है, जिस दिन से मैंने मंदिर की स्थापना की है, भगवान शंकर का मंदिर मैंने बांडे नड़ा में मूर्ति स्थापना की है, उस दिन से देख ले आज का दिन देख ले, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ कि वो दिन 15 जनवरी से लेके आज तक तेरी हालत देख ले और आगे आगे ये हालत और बिगड़ती जाएगी। ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है। तूने भगवान शंकर के मंदिर के अंदर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौके पर SDM, तहसीलदार, स्थानीय SHO को भेज के यहाँ तक का प्रयास तुम लोगों का था कि ये टेंट उखड़ जाना चाहिए, ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी उस भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसमें मातृ शक्ति ने मुझे 11-12 हजार की संख्या में पहुंच के आशीर्वाद देने के लिए मुझे पार्टी की बोली बाड़ी जनता का, पीड़ित का, शोषित का और मजदूर वर्ग का यदि मैं हिफाजत कर सकूं तो मुझे चुनाव मैदान में आना चाहिए। मैंने बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र की भी राजनीति की है, पर इस बार उदयपुर वाटी की दशा और दिशा चेंज करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और चुनाव उसी मजबूती से लड़ूंगा जिस मजबूती से मैंने बिहार में चुनाव लड़ा है, जिस मजबूती से मैंने यूपी में चुनाव लड़ा है, उसी मजबूती से इस बार उदयपुर वाटी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और जितने तौर तरीके तुझे आते हैं उससे ज्यादा तौर तरीके मुझे आते हैं। और इस बार चुनाव नहीं, एक रोचक मुकाबला होगा जिसकी जीत की गारंटी भी मैं आज ही देता हूं कि संदीप सैनी इस बार उदयपुर वाटी से 1000% जीत के आएगा।